हे मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम? मुनिवर, मुनिवर मैं महाराज सगर का पुत्र असमंजस हूं। यहां आने का कारण? मुनिवर मैं अभी अभी अपने 60,000 भाइयों के जले हुए मृत शरीर की राख देकर आ रहा हूं। हाँ, हाँ, उन्होंने यहां आकर मेरा अपमान किया, मुझ पर अश्व की चोरी का दोष लगाया, धृष्टता की मेरे साथ। तब मैंने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया और वे सब जलकर भस्म हो गए। तुम क्यों आए हो यहां? हे मुनिवर, मैंने अपने पिताश्री को चेतावनी दी थी कि वे ये अश्वमेध यज्ञ ना करें, क्योंकि मैं अपने उत्पाती भाइयों का स्वभाव जानता था। किंतु मुनिवर, परिणाम वही हुआ जिसका मुझे भय था। तो क्या तुम भी मुझे दोषी समझते हो? नहीं मुनिवर, कदापि नहीं। उनके दृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। मुनिवर, मुनिवर, वे उत्पाती अवश्य थे किंतु अज्ञानी थे। उनका अपराध क्षमा कर दीजिए मुनिवर। मेरे क्षमा करने से क्या वे जीवित हो जाएंगे? किंतु उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी मुनिवर, उन्हें क्षमा कर दीजिए। उठो वत्स, जो कुछ भी हुआ उसका खेद है मुझे, किंतु होनी को कौन टाल सकता है? मुनिवर, मेरे भाई उत्पाती अवश्य थे, अपराधी भी थे, किंतु इसमें मेरे पिताश्री का कोई दोष नहीं। हाँ वत्स, ये सत्य है, इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं। वत्स, ये अश्व ले जाओ और यज्ञ संपूर्ण करो, किंतु तुम्हारे 60,000 भाइयों के जले हुए शवों की राख को बहाने का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा ना। मुनिवर, मुनिवर, ये कैसे संभव होगा? संभव होगा, अवश्य होगा, किंतु इसके लिए इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही शक्ति है जो इस राख को बहा कर ले जा सकती है, और वो शक्ति है गंगा। गंगा? हाँ, गंगा। किंतु इस समय गंगा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में है, उसे वहां से निकालकर धरती पर लाना पड़ेगा। किंतु मुनिवर, कौन लाएगा गंगा को धरती पर? वत्स, ये कार्य करेगा तुम्हारा पौत्र भगीरथ। हाँ वत्स, भगीरथ की तपस्या से देवलोक से गंगा धरती पर आएगी और इस राख को बहा देगी, उन्हें मोक्ष प्रदान करेगी। हाँ मुनिवर, हाँ, कोई भगीरथ ही होगा जो गंगा को धरती पर लाएगा।